हेलो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 ज्योग्राफी पेपर 6 ए ह्यूमन ज्योग्राफी में एवोल्यूशन ऑफ मैन। एवोल्यूशन का अर्थ होता है कि कोई भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लाइफ में धीरे धीरे चेंज होना। जैसे कि आप जानते हैं कि चार 4.2 बिलियन साल पहले ये पृथ्वी बनी और वहाँ से फिर जो जीवन की जो शुरुआत होती है, तो एक सेल से लेकर आज हम लोग जो है वहाँ तक मल्टी सेलुलर और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्राणी के तौर पे है। हम लोग मेमेलिया में आते हैं जो कि सबसे एडवांस्ड सबसे सबसे एडवांस्ड स्पीसी मानी जाती है, और बिलियन ऑफ ईयर्स में हमारे जो इतिहास है ये सिर्फ 10,000 सालों का है। इस मामले में एक किताब आई थी डार्विन की, द ओरिजिन ऑफ स्पीसी, जिसके बाद हम कुछ टर्म्स को देखते हैं। जैसे इनका कहना है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि कोई भी वही सरवाइव करता है जो स्ट्रगल करता है अपने इसके लिए, और समय के साथ वेरिएशन चाहिए होता है, और जो सरवाइव वही करता है जो फिट होता है। और इसमें कुछ नेचुरल सिलेक्शन भी होते हैं, यानी प्रकृति खुद सिलेक्ट करती है ऐसी चीजें जो हो रहनी चाहिए, ऐसे प्राणी जो रहने चाहिए, ऐसे जीव जंतु और पेड़ पौधे रहने चाहिए जिनकी जरूरत है, और बाकी समाप्त हो जाते हैं। और ये जो एवोल्यूशन होता है, जो सतत विकास की प्रक्रिया होती है, ये 5 चरणों में होती है। एक तो म्यूटेशन होता है जो कि जीन पे होता है हमारा। दूसरा होता है म्यूटेशन में होता है कि जीन में वो बाहर के तत्वों के आधार पे उनमें बदलाव आते हैं, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कोरोना या इस तरह की चीजें, कि हमारा डीएनए जो है और वो बाहर से जो आरएनए आता है उसके अलोंग इसमें चेंजेज आते हैं। फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज होती हैं। आपको मालूम है कि पुरुषों में एक्स वाई और महिलाओं में एक्स एक्स होते हैं, और हम इनमें भी बहुत तरह के जो क्रोमोजोम्स हैं चेंजेज आते हैं समय के साथ, ये हमारे हर तरह के प्राणी में अलग अलग, और नेचुरल सिलेक्शन जैसे कि हमने कहा प्रकृति के हिसाब से होता है। और एक होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जैसे कोई खास स्पीसी कुछ पार्टिकुलर एरिया में आइसोलेट हो गई तो वो उस वहाँ के स्पीसी के हिसाब से डेवलप करते जाती है। हम लोग भूगोल में बायोलॉजी के इन टर्म्स को समझते हुए इसको भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में लेके चले, तो माजिद हुसैन साहब की किताब में ये आपको मिलेगा डायग्राम कि किस तरीके से मनुष्य और हमारे जो पूर्वज हैं उनका लिंक निकलता है। तो यहाँ से तीन दिख रहे हैं ट्री, एक है हेलोबेटिडा जो कि लगभग 26 मिलियन साल पहले निकलता है, और ये आगे बढ़ जाता है जो गिब्बन और इनकी प्रजाति आगे जाकर बनती है। दूसरी है पोंगिडा, पोंगिडा जिससे ओरेंगोटैंग चिंपैंजी और गोरिल्ला निकले, और तीसरी आती है जो होमिनिडा जिसमें कि हमारी आज के मानव के लिए है। तो ये ड्रायोपिथिकस, प्लायोपिथिकस या रामापिथिकस, यहाँ के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, और फिर अर्लिएस्ट मैन होते हुए होमोसेपियंस तक आएंगे, और उसके बाद हमारे रेसेस हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अगर ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि हम लोग होमिनिडा से आते हैं जो कि पोंगिडा एप्सोलिफ ब्रांच से अलग हो गए। इसमें 6 चरण आते हैं, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। एक बार इनके एक, हाँ ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं होमो सेपियंस जो अभी हैं सबसे, होमो नियंडरथलिस, ये होमो सेपियंस के पहले के हैं, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, हैबिलिस से इरेक्टस, इरेक्टस मतलब सीधा खड़ा होके जो चलने लगते हैं, और ये उनके पहले के हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और उसके पहले रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस आएंगे। तो ड्रायोपिथिकस जो है ये सबसे पहले हमारे एंसेस्टर के तौर पे माने जाते हैं। इनको बोथ मैन और एप्स दोनों का भी माना जाता है एंसेस्टर। ये अफ्रीका, चाइना, यूरोप, इंडिया पाए जाते हैं। ड्रायोपिथिकस का मतलब हो गया ओक वुड वाले एप्स, और ये जब जीवित थे तो ट्रॉपिकल एरिया में लोलैंड्स में रहते थे और काफी डेंसली फॉरेस्टेड में, और ये हर्बीवोर थे, ये फल फूल वगैरह खाया करते थे।
रामा पेटकस जो है ये ड्रा पेटकस के रहते ही ये ह्यूमन लाइक आए, जीनस में इसमें आए, और इनका जो शुरुआत का कुछ जो रिमेन्स मिला है शिवालिक में पंजाब के, अफ्रीका में भी मिला है, सऊदी अरेबिया में भी मिला है। ये खुले घास के मैदानों में पाए जाते हैं और इनके जबड़े मजबूत थे, टूथ इनेमल, और लेकिन इनके जो कैनाइंस थी वो छोटी हुआ करती थी, और ये लोग हाथ का प्रयोग करते थे खाने के लिए, अपने डिफेंस के लिए, और ये भी सीधा चल चल सकते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए सबसे पहले 1924 में साउथ अफ्रीका में इसका फॉसिल खोजा गया था। ये लगभग 4 फीट के होते थे, 60 से 80 पाउंड इनका वजन होता था। इसमें चार वैरायटी मिलेगी, एक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस रेमिडस, ये 1.2 मीटर लंबे होते थे और ये बिल्कुल सीधा खड़े होके चल सकते थे। इनके जो आगे के हाथ हुआ करते, ये और एप लाइक एंसेस्टर से थोड़े हट के हो गए थे, और दांत इनके मनुष्य की तरह थे। दूसरा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, जिसको कि बहुत फेमस एक फॉसिल मिला था, जिसको लूसी भी बोलते हैं, ये अफ्रीका में मिला था, और इनका ब्रेन जो है ये छोटा था, नाक चपटे थे और चिन नहीं था इनके, और ये लोग भी दो पाँव पे अपराइट सीधा खड़ा होकर चल सकते थे, और ये पेड़ों पर बहुत आराम से क्लाइम कर सकते थे, रह सकते थे, और टीथ एंड जॉ इनका वेल डेवलप था। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस जो है ये भी अफ्रीकन मेनलैंड में है, ये भी दो पाँव पे चल सकते थे, लेकिन ये इनसे थोड़े ज़्यादा इनका डेवलपमेंट हुआ था और लार्ज जॉ भी था इनका। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस, ये उनसे लंबे थे पिछले वाले से भी, और यहीं से फिर होमो हैबिलिस बनते हैं। होमो हैबिलिस को देखा जाए तो ये सबसे पहले इन्होंने टूल्स बनाना हाथ से सीख लिया था, इनको हैंडीमैन भी कहा जाता था, और इनकी लंबाई भी थोड़ी ज़्यादा थी, 5 फीट टॉल थी। होमो इरेक्टस बिल्कुल सीधा खड़ा होकर चलते थे, इनको पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता था, और ये मैन और एप्स के बीच का एक मिसिंग लिंक कहा जाता है। इनका फर्स्ट फॉसिल जो है जावा में मिला 1891 में, और जावा मैन और पेकिंग मैन चाइना में जो इनका मिला था, इनके बारे में कहा जाता है कि 1300 BC के आसपास आते थे, सॉरी यहाँ CC आ गया है, और इनका चेहरा जो है लंबा है, और इनके भी चिन कम है, लेकिन ब्रेन का साइज बड़ा हो गया है, और ये इनकी आवाज क्लियर आ रही थी, और ये इनकी खासियत थी ग्रुप में रहना शुरू कर देते थे, और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी वो भी बड़ी है, और ये क्वार्ट्स टूल्स बोन्स वुड्स इनसे यूज कर सकते थे। तो आप ध्यान देंगे कि टूल का यूज करना और कलेक्टिव हंटिंग, ग्रुप में रहना, कम्युनिटी लेवल पर रहना, ये सब इनके अंदर था। ये आग भी यूज कर सकते थे और ये केव्स में रहते थे। इसके बाद आता है सबसे मॉडर्न मैन होमोसेपियंस, जिसको कि जो शुरुआत में आया वो होमोसेपियंस नियंडरथलिस था। ये आज इसका भी ब्रेन बड़ा था और साइज काफी जाइगेंटिक था इनका, जॉ वगैरह सब इनके पावरफुल थे, ये बहुत पावरफुल कार्निवोर भी थे और बहुत अच्छे हंटर थे, लेकिन ये केव ड्वेलर्स थे और ग्रुप में रहते थे, फूड गैदरिंग करते थे। होमोसेपियंस सेपियंस ये मॉडर्न डे मैन है, जिसको कि ब्रेन साइज का थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, और थोड़ा जॉ भी इसकी छोटी हो जाती है, स्कल थोड़ा गोल हो जाता है, चिन डेवलप हो जाता है, और हमारे में जो सबसे अर्लीस्ट मैन है वो है क्रोमैग्नन मैन, और ये यूरोप ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चारों तरफ फैले हैं। ये ओमनीवोर हैं, ये दोनों तरह के भोजन पसंद करते थे, इनका हैंड में काफ़ी स्किल है, ये ड्राइंग भी कर सकते थे केव्स के अंदर, आर्ट और एस्थेटिक्स और सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और इनके अंदर सेंटिमेंट्स भी थे, पोएट्रीज वगैरह भी, तो ये और ये दिन प्रतिदिन डेवलप होते जा रहे हैं। तो इतना है आपके एवोल्यूशन ऑफ, धन्यवाद।